दिवस ये महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा, सबको शिक्षा, घर की शांति, विश्व की शांति, तो ये क्या है? ये सरकार के तरफ से या कोई आपका अपना एक स्पेशल मतलब कोई मतलब बना रखा है ये पखवाड़ा आपने? ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी दिवस मनाया जाता है जो 16 दिन का होता है, जिसे एक पखवाड़ा के रूप में हम लोग मनाते हैं। हर दिन अलग अलग एक्टिविटी किया जाता है और महिलाओं द्वारा ये एक्टिविटी करके अपने खुशी को जाहिर किया जाता है। यह पखवाड़ा जैसे हम लोग सिमडेगा जिला में 25 नवंबर को ओपिनियन पोल में रख कर सिमडेगा जिला के गोत्रा सामटोली में मनाएं, 26 नवंबर को हम लोग CDPO ऑफिस सिमडेगा में मनाएं, जो दहेज विरोधी रैली था। इसी तरह अलग अलग दिवस में हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करके मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे आज हम लोग का एजेंडा था कार्यस्थल पर महिलाओं से जेंडर आधारित हिंसा को समाप्त किया जाए, तो ये उद्देश्य हम जाहिर करता है जहाँ पर महिला और पुरुष के बीच में जो जेंडर आधारित भेदभाव होता है उसे समाप्त करने के लिए हम लोग का एक ठोस कदम उठाया गया है। तो क्या लगता है आपको कि ये सब करने से जो महिला पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें कुछ रोकथाम होगी या हो रहा है? पहले से तो हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी बदलाव आया है और हम लोग का नज़रिया बदला है। इसीलिए एक कार्यक्रम हम लोग ने आयोजित किया था, नज़रिया बदलो। आज नहीं बदलाव आया रहता तो जो महिलाएं घर से निकलती नहीं थी वो महिलाएं आज यहाँ सरेआम अपने अधिकार के लिए लड़ रही है और अधिकार के लिए आगे आ रही है। लेकिन हमने तो जहाँ तक देखा है कि अगर बहुत सारे स्टेट में महिला थाना बना हुआ है पर अगर किसी महिला पर अत्याचार होता है तो उसको सीधा सा कोई रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ठीक है आप घर में महिला है तो पति आपको मारेगा पीटेगा थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, तो इस चीज़ को आप किस रूप में ले रहे हैं? ये पितृसत्तात्मक रूप में है, जो पुरुष प्रधान समाज में ये सोच रखी हुई है कि महिलाओं को घर के अंदर में रहना है और पुरुष द्वारा होने वाले अत्याचार को सहना है और उसका विरोध नहीं करना है, लेकिन ऐसा हमारे ज़िले के थाने में नहीं होती है, ऐसा नहीं कहा जाता है। हमारे ज़िले के थाने में वैसी महिलाओं का रिपोर्ट लिया जाता है, उसके लिए डालसा बना हुआ है, अगर थाना नहीं ले रहा है तो हम डायरेक्ट उसका SP के पास अपना FIR दर्ज कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हुआ प्रियंका सिन्हा। और आप किस संस्था के तहत ये अभियान चला रही हैं? ये सृजन फाउंडेशन रांची और छोटा नागपुर कल्याण निकेतन सिमडेगा के संयुक्त तत्वाधान से ये आयोजित किया गया है। तो आज आपने कौन किस किस अधिकारी से मिले और उनसे आपको क्या क्या बात हुई? हम लोग ने आज सर्वप्रथम सिमडेगा के DCPO अमित सर से मिले, उनका काफ़ी ही रिस्पॉन्सपूर्ण हम लोग के साथ व्यवहार रहा। दूसरा हम लोग महिला थाना प्रभारी से मिले और तीसरा हम लोग सामान्य थाना प्रभारी से मिले, काफ़ी ही उनका पॉजिटिव व्यवहार रहा हम लोग के साथ। और उन लोग का फिर हम लोग डालसा सचिव से मिले जो जज के रूप में हैं, उसके बाद हम लोग आहातू थाना प्रभारी राजू कुजूर से मिले, जिनका काफ़ी ही रिस्पॉन्स रहा हम लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग एक महिला होकर के आज समाज में एक बदलाव के लिए जो अभियान चलाए हैं, और हम ये आशा करते हैं कि इसी अभियान से, क्योंकि आज के समय में जो एक महिला को समाज में दबे कुचले के रूप में समझा जाता है, उनका कोई अहमियत नहीं दिया जाता है, तो हमें ये लगता है कि आप लोग के अभियान से कि समाज में बदलाव आएगा और समाज में एक जागरूकता आएगी और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।